नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के नंबर वन कंपनी है उस सेक्टर का, साथ ही साथ मेरे सबसे पसंदीदा स्टॉक भी है, मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी भी है। पहले आपको डिस्क्लेमर जरूर दे दूंगा क्योंकि इस कंपनी मेरे पसंदीदा इसीलिए है क्योंकि कंपनी नंबर वन है, ये तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसका मैनेजमेंट टीम मुझे बहुत स्ट्रांग लगते हैं, साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस फंडामेंटली फाइनेंशियली सब कुछ ग्रोथ हमेशा देखने को मिल जाता है। तो इसलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं हमेशा खुद निवेश करता हूँ और आपको मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए, निवेश करना ना करना आपके हाथ में है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का आप इंफॉर्मेशन लेकर आप निवेश करेंगे तो आप गलत जा सकते हैं, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, आपको भी थिंकिंग अलग रखना होगा दूसरों से, तभी तो आप पैसा कमा पाएंगे। आज अगर देखेंगे तो 100 लोग अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो उनमें से देखा जाए तो 2 से 3 5% तक लोग सक्सेस हो पाते हैं। क्यों होते हो पाते हैं? क्योंकि उसका थिंकिंग बाकी 95% लोगों से अलग होते हैं, क्योंकि 95% लोगों में कुछ लोग पेनी स्टॉक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखते हैं, कुछ लोग मतलब कम ग्रोथ स्टॉक के ऊपर फोकस रखते हैं, कुछ लोग ऐसे कंपनी के ऊपर फोकस रखते हैं जो कंपनी उसको लग रहा है कि आज नहीं तो कल भागेगा। हाँ, उसके बाद सही भी हो सकते हैं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि हर पेनी स्टॉक आपको लॉसेस दे रहा है, हर लो ग्रोथ कंपनी आपको फ्यूचर में ग्रोथ नहीं देगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ, ग्रोथ तो देगा, मगर उसका प्रॉब्लम्स क्या है आप जानते हैं? वो अच्छे कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश नहीं करते हैं, वो खराब कंपनी के ऊपर ज्यादा निवेश करते हैं और अच्छे कंपनी के ऊपर कम निवेश करते हैं, तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए वो 95% कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो मैं भी पहले इस तरीके से सोच रखता था, मैं भी पहले पेनी स्टॉक के ऊपर लो प्राइस के ऊपर कंपनी के ऊपर निवेश करते था। तो आज मैं प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, आज मैं कंपनी का फंडामेंटली और फाइनेंशियली के ऊपर ध्यान देता हूँ, क्योंकि कंपनी का प्राइस कुछ भी हो तो वो कभी ना कभी स्प्लिट बोनस देकर प्राइस रेंज कम हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से। तो मैं आज ऐसे कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो मेरे पसंदीदा कंपनीज भी है, साथ ही साथ कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है जो हर व्यक्ति के मतलब हर इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो एक अच्छा एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो सब कुछ डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, साथ ही साथ टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर स्टॉक की सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है वो डेटा मैं वहाँ पे पब्लिश करता रहता हूँ, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम में स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के जो लर्निंग ग्रुप है वहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने का मौका मिला है, जाकर अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी कौन सा है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का नाम है एस्ट्रॉल, एस्ट्रॉल प्राइप आप सभी जानते हैं, एक पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो एस्ट्रॉल पाइप जो है वो इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है, इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी है, मान लेता हूँ प्लास्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर प्लास्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, क्या कंपनी फ्यूचर में रहेगा? बिल्कुल रहेगा, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज रहेगा, विदाउट प्लास्टिक में कुछ काम नहीं हो सकते। देखिए, आप घर में आपका पाइप्स फिटिंग कराना चाहते हैं तो, या आप स्टील का पाइप खरीदारी करेंगे तो उसके लिए जो कॉस्टिंग आएगा वो आप एफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए लोग घर में प्लास्टिक पाइप ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, कमर्शियल भी प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, तो प्लास्टिक पाइप का एक नज़रिया कुछ अलग होता है। साथ ही साथ इस कंपनी में एक पॉइंट जो बेस्ट लगता है, सिर्फ इस कंपनी पाइप्स के ऊपर नहीं, उसके फिटिंग्स के ऊपर भी बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ कंपनी वाटर टैंक्स के भी बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ कंपनी जितने सारे केबल्स होते हैं ऑप्टिकल केबल्स होते हैं उसके भी ऊपर प्लास्टिक यूज किया जाता है। और मुझे इस कंपनी इसलिए बेस्ट लगता है क्योंकि कंपनी हर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, हर सेक्टर, किसी भी सेक्टर को उठा के देख लेना इस कंपनी उसमें दिखेगा। जैसे आप देखेंगे प्लम्बिंग के ऊपर जो सबसे इसका मेजर बिजनेस है, उसके बाद देखिए ड्रेनेजेस के ऊपर, मतलब जो ड्रेन आप देखते हैं जो पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक पानी बाहर निकाला जाता है, एग्रीकल्चर के ऊपर, आप एग्रीकल्चर के ऊपर तो जरूर पाइप लगेगा क्योंकि खेती में पानी देने के लिए, खेत में पानी देने के लिए पाइप्स का जरूरत जरूर पड़ेगा, तो वो भी इसी कंपनी सप्लाई देते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ड्रेनेजेस, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल फायर प्रोटेक्शन, आप हर ऑफिसेस में देखते हैं फायर प्रोटेक्शन लगाया जाता है, क्यों? कभी भी आग लग जाए तो फटाफट पानी छोड़ के वो आग को निभा सकते हैं, तो इसीलिए मतलब आग को बुझा सकते हैं, तो इसीलिए देखा जाए तो फायर प्रोटेक्शन भी यूज किया जाता है पाइप्स को।
केबिल प्रोटेक्शन, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। आपके घर में जो केबिल्स आते हैं, आप देखेंगे बहुत जगह पे, गांव गांव तक पहले किस तरीके से यहाँ पे एक पुल दिया जाता था, उसके बाद वायर लिया जाता था। तो इसमें क्या होते थे, बहुत बड़ा दिक्कत होते थे, बहुत सारे टाइम्स ये वायर कट हो जाता था और पावर कट हो जाते थे, और बहुत सारा मतलब डेंजरस सिचुएशन भी क्रिएट होता था। तो अभी केबल्स के माध्यम से वायर को ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो साथ ही साथ इन्फ्लेशन के ऊपर भी कंट्रोल में रखते हैं इस कंपनी। तो इस सारे पैरामीटर्स कंपनी को बताते हैं कंपनी नंबर वन। तो इसलिए मैं इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद भी करता हूँ। साथ ही साथ मुझे तो सिर्फ इस कंपनी का प्रोडक्ट देखकर पसंद नहीं आया, इस कंपनी का फंडामेंटली, फाइनेंशियली, इसका मैनेजमेंट टीम का ग्रोथ और पोटेंशियल, वो देखकर मुझे पसंद आया। तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी इस बार क्या गुड न्यूज़ दिया, कंपनी बहुत दिनों के बाद यहाँ पे बोनस लेके आ रहा है। 2021 में देखा जाए तो कंपनी बोनस लेके आए थे, फिर से एक बार कंपनी बोनस इशू कर चुके हैं, बोनस का डेट भी आ चुके हैं। तो जितने सारे दोस्त बोनस पाने के लिए इंतजार कर रहे थे, तो उसके लिए गुड न्यूज़ है। तो बोनस कब मिलेगा सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले कंपनी के कुछ जानकारी मैं आपको दे दूँ। देखिए कंपनी देखा जाए तो अभी भी बहुत छोटा है, बड़ा होने के लिए बहुत जगह पड़े हुए हैं, बहुत जगह। और जिस तरीके से मार्केट ग्रोथ हो रहा है, उस तरीके से इस तरीके से कंपनी तेजी से ग्रोथ करेगा, आप याद रखना, ध्यान भी रखना। तो मान लेता हूँ कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, इसलिए कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एक गिरावट के माहौल भी जारी है। 2600 में चलने वाला कंपनी आज 1900 में चल रहा है, तो अराउंड अराउंड 700 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल चुका है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट है। कंपनी का कर्जा एकदम अब जीरो डे बोल सकते हैं, 0.04 का कर्जा कोई कर्जा नहीं माना जाता। मान के चलिए आपने 100 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदारी किए और आपने दुकान में मान के चलिए 5 पैसा गिरवी रखा, मतलब उधारी रखा, क्या एक क्या गिरवी है? अगर दुकानदार जानते हैं आप 5 पैसा ना भी देना तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही इस तरीके से ही कर्जा है इस कंपनी का। तो आप देखेंगे इस कंपनी का डेटर्स डे है 22 डेज है, मुझे बेस्ट पॉइंट लगा यहीं पे, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन करने में 91 डेज लग रहा है और डेटर्स डे मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 22 दिन के आसपास। तो कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा वीकनेस में है, सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है। कंपनी का सेल्स मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, पैग रेशियो बता रहा है 1 के नीचे नहीं है, तो इसका मतलब वैल्यूएशन ऑब्वियसली ज्यादा है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो तो आज तक कंपनी लॉस नहीं किया, उल्टा कंपनी का प्रॉफिट जिस तरीके से हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जिस तरीके से हुआ है वो बहुत शानदार है। साथ ही साथ कंपनी आपको रिटर्न जो दिया धमाका जैसा, 10 साल में 45% का रिटर्न, तो सोचिए हर 2 साल में आपका फंड डबल कर रहा है, तो कितना तगड़ा प्रॉफिट कंपनी आपको दिया है। कंपनी का देखिए आप देखेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर पैरामीटर पॉजिटिव दिखेगा। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं ज्यादा पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि इसका मैनेजमेंट टीम बहुत स्ट्रांग है, कैश फ्लो को भी मेंटेन किया, कैश फ्लो भी हमेशा पॉजिटिव रहा है, इसका मतलब टाइम टू टाइम कंपनी के हाथ में कैश भी आ रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद देखिए FIIs, TIIs, पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। क्यों ना चाहे, जो कंपनी आपको 45% के आसपास 10 साल में रिटर्न दिया तो उस कंपनी के ऊपर हर कोई तो रहना चाहेंगे, और इंडिया के नंबर वन कंपनीज भी है उस सेक्टर का, तो यही एडवांटेज है इस कंपनी का। तो देखिए सारे बात सुनकर आप कल जाकर निवेश मत कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। मेरे वीडियो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आपको सही जानकारी दूँ कंपनी के बारे में। जानकारी लेने के बाद आपका भी कुछ डिसीजन होना चाहिए, आपका भी कुछ थिंकिंग होना चाहिए, तभी आप अच्छा खासा कंपनी के ऊपर निवेश कर पाएंगे। तो कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी देखिए बोनस, तो फिर से एक बार बोनस देने वाला है, कब? 14 मार्च में। इसका मतलब 14 तारीख को आपको बोनस मिल जाएगा। आपको इस कंपनी का बोनस आपको चाहिए तो आपको 13 तारीख को इस कंपनी का शेयर खरीदना होगा। अगर 13 तारीख कोई हॉलीडेज है तो उससे पहले एक दिन पहले आपको शेयर खरीदना होगा। तो कितना बोनस मिलने वाला है? 1:3। देखिए पहले भी कंपनी 2 बार बोनस दे चुके हैं, 2019 में 1:4 रेशियो का और 2021 में 1:3 रेशियो का, और फिर से एक बार 1:3 रेशियो का बोनस मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोग यही गलती कर लेते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं 1:3 रेशियो का बोनस मतलब 1 के बदले मुझे 3 शेयर मिलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, आपको 3 के बदले 1 शेयर मिलने वाला है। तो ये बात याद रखना, हर 3 शेयर में आपको 1 शेयर मिलने वाला है, हर 4 शेयर में आपको 1 शेयर मिला था 2019 में। तो ये था आज का कंपनी का टॉपिक, आज का कंपनी का गुड न्यूज़।
तो जितने सारे इन्वेस्टर इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कंटिन्यू जरूर करने का सोचिए। तो यहाँ पे हायर लेवल में एक ब्रेकआउट आया था, इसके ऊपर मैं टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था कि ये जो रेंज है इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद अगर होल्ड करता है यहाँ पे और उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा, जो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दिया था। जाकर टेलीग्राम में चेकआउट करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और चैनल को अच्छा लगे हो, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट भी करते हैं और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे लॉन्ग जर्नी के लिए फोकस भी रखने के लिए मजबूर करते हैं। तो प्लीज़ चैनल के ऊपर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।